सिंधी कांग्रेस रहनुमा जीएम सैयद को पश्तून कांग्रेस रहनुमा खान अब्दुल गफार खान उर्फ बाचा खान के बाद पाकिस्तान का सबसे मारूफ गद्दार समझा जाता है, जो खुलेआम पाकिस्तान को तोड़ने और सिंधु देश बनाने की बात करते थे। वो अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरियात की वजह से गद्दारी के इल्जाम पर मुख्तलिफ अदवार में कैद हुए और नजरबंद रहे, लेकिन इनकी 28 साल कैद नजरबंदी के दौरान कभी भी इन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। ताहम ये भी एक हकीकत है कि गद्दार करार दिए जाने से पहले वो सन 1930 में बतौर मुस्लिम लीगी करारदादे पाकिस्तान पास करवाने में मरकजी किरदार अदा कर चुके थे, लेकिन कयामे पाकिस्तान के बाद वो सिंधियों के साथ होने वाली ज्यादतियों की वजह से कांग्रेस बन गए और सिंध की आजादी का नारा बुलंद कर दिया। गद्दारी एक ऐसा इल्जाम था जिसे वो बखुशी कबूल किया करते थे। उनके नजदीक सियासत दो किस्मों की थी, एक अमली यानी इंतखाब और इक्तदार की सियासत और दूसरी आदर्शी या नजरियात और उसूलों की सियासत। नजरियात उनके जैसे भी थे, जी एम सैयद आदर्शों और असूलों पर खड़े रहने वाले सियासतदान थे। वो अपने मिलने वालों से कहते कि आओ मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन यह भी सच है कि जी एम सैयद शिद्दत पसंद नहीं थे, जिसका सबूत यह है कि बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह के कत्ल की अफवाह सुनकर वो धाड़े मारकर रोने लगे थे। जिनाह साहब पर कातलाना हमले के मंसूबे में एक सिंधी के पकड़े जाने पर उन्होंने कहा था कि हैरत इस बात की है कि सिंधी भी इंतहा पसंद हो सकते हैं। जी एम सैयद बुनियादी तौर पर एक सूफी थे, वो सिंध के अजीम सूफी मखदूम बिलावल के मुरीद थे और एक बुजुर्ग हैदर शाह सनाई के सजादा नशीन भी थे। जी एम सैयद की कम उम्र में ही इनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इनकी तमाम तालीम घर की औरतों के पास या गांव के मकतब में और खानगी तौर पर मुकामी टीचरों के जरिए हुई थी। वो हाजिर जवाब बला की हिस्से मदा के मालिक मंचे सियासतदान और कई किताबों के मुसन्निफ थे। उनकी किताबों में से एक बनवान जैसा मैंने देखा मजाहब आलम के बारे में है, जो उन्होंने 1960 की दिहाई में लिखी। इनकी एक और किताब सिंधु देश क्यों और किस लिए इनकी ममनुआ किताबों में शामिल है। जी एम सैयद के पाकिस्तान मुखालिफ नजरियात की बुनियाद पर इनके मुखालफिन इन पर गैर मुस्लिम होने का इल्जाम भी आयद कर देते थे। हालांकि दर हकीकत वो अपने गांव की मस्जिद में बहुत अरसे तक नमाजों की इमामत करवाते रहे और जुमे का खुतबात भी देते रहे। आज सिंध में कई सिंधी कामपरस्त और नौजवान सिंधु दरिया के उस पार एक छोटे से शहर सन जाते हैं, जहां जी एम सैयद एक खुली किताब की शक्ल में संगमरमर की एक कब्र के नीचे दफन है। 17 जनवरी 1904 को सिंध में पैदा होने वाले जी एम सैयद जब 1995 को सुपुर्द खाक हुए तो उनके जनाजे के साथ कुरान करीम, गीता, इंजील, तौरात और शाजु रसालों भी साथ साथ सफर करते रहे थे। जी एम सैयद शायद पाकिस्तान में वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए कई बरस कबल ही मजहबी इंतहा पसंदी के मुल्क और खित्ते में खतरात से मुतनब्बे कर दिया था। वो पहले सियासतदान भी थे जिन्होंने सर जंग के खात्मे से कबल ये कहा था कि सरमायादारानों और इश्तराकी ब्लॉक्स में बटी दुनिया के कताव नजर रूहानी ममालिक के ग्रोहों का भी एक ब्लॉक होना चाहिए। नीज ये कि सर जंग के खात्मे पर इन्होंने अमन आलम के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की असर नौ तश्कील की बात की थी। ये बात उन्होंने जनवरी सन 1992 में निश्तर पार्क कराची में अपनी सालगिरह के जलसे के दौरान की थी, जिसके फौरन बाद इन्हें गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया गया। नवाज शरीफ के दिनों में शुरू होने वाली इनकी नजरबंदी बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान मई सन 1995 में इनकी वफात तक बरकरार रही। जी एम सैयद से मुराद गुलाम मुर्तजा शाह सैयद था। गफ्फार खान की तरह जी एम सैयद भी महात्मा गांधी से मुतासिर थे। 27 अप्रैल सन 1921 को इन्होंने गांधी का रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया, जब जी एम सैयद को गांधी ने खद्दर का लिबास पहनने के लिए कहा, जिस पर इन्होंने खद्दर का लिबास अपना लिया और फिर सारी जिंदगी पहना। जी एम सैयद ने सन 1924 तक खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया, तान के हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात के सबब तहरीक का जोश और वलवला खत्म हो गया। सन 1925 में जी एम सैयद ने तहसील बोर्ड कोटरी के सदर और जिला कौंसिल कराची के नायब सदर मुंतखब होने के बाद सियासत को समाजी तब्दीली का जरिया समझ कर आवाम की फलाह बहबूद की कोशिशें शुरू की। सन 1928 में वो जिला लोकल बोर्ड कराची के सदर मुंतखब हुए। सन 1930 में इन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का इनकार किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसमें मनपसंद अफराद के शामिल होने पर इसका बायकॉट किया और जी एम सैयद ने कॉन्फ्रेंस बुलाकर सिंध में स्याह झंडों से इसका बायकॉट किया। सन 1928 में मुंबई को सिंध से अलहदा करने की जिद्दोजहद शुरू हुई तो इसमें जी एम सैयद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1935 के एक्ट के तहत जब सिंध की खुद मुख्तारी जेर बहस थी तो जी एम सैयद के जहन में नए सिंध का तस्वुर उभरा और इस जिद्दोजहद को जी एम सैयद ने अपनी किताब नए सिंध के लिए जिद्दोजहद में रकम किया है। 1930 में इन्होंने सिंध हारी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली और इसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सन 1936 में सिंध असेंबली के इलेक्शन में सिंध इत्तेहाद पार्टी ने भरपूर हिस्सा लिया और 60 में से 22 नशिस्तें हासिल करके सिंध असेंबली में अक्सरियती पार्टी की हैसियत हासिल की। जी एम सैयद भी रुकन असेंबली मुंतखब हुए। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने जी एम सैयद को मुस्लिम लीग में शमूलियत की दावत दी थी, जो उन्होंने कराची में अब्दुल्ला हारून के घर पर कबूल की।
सिंध में जहां मुस्लिम लीग ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जीएम सैयद का सहारा लिया, वहीं इसको रोशनास करने में जीएम सैयद ने जो किरदार अदा किया उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जीएम सैयद 19 नवंबर 1939 को पहली दफा गिरफ्तार हुए। 1941 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मरकजी काउंसिल के रुकन बने। 1943 में इनको मुस्लिम लीग सिंध का सदर मुंतखब किया गया। सिंध को यह शर्फ हासिल है कि जीएम सैयद की सरबराही में 3 मार्च 1940 की लाहौर करारदाद की रोशनी में सिंध असेंबली से बरेसगीर में बसने वाले मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत के तौर पर करारदाद पास कराई गई। ये जीएम सैयद का बहुत बड़ा तारीफी कारनामा है। ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पहली असेंबली थी जहां कायम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई थी, जिसके नतीजे में सिर्फ 4 साल के अरसे में मुसलमान अपनी अलहदा रियासत बनाने में कामयाब हुए। सन 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान की भी जीएम सैयद ने भरपूर हिमायत की और इसे पास करवाने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन इख्तलाफ राय के लिए मशहूर ये लीडर सन 1946 में मुस्लिम लीग से किनाराकश हो गया और एक नई पार्टी प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। फिर सिंध अवामी महाज के नाम से एक जमात भी बनाई। सिंध अवामी महाज ने 1953 के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया और सिंध से वाजे नशस्तें हासिल की और सिंध असम्बली के अंदर पार्टी के पार्लिमानी लीडर बन गए। जी एम सैयद ने 1 यूनिट बनने के बाद मगरबी पाकिस्तान के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया और रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 16 दिसंबर 1971 को जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो पाकिस्तानी सियासत पर फौजी आमलों के कब्जे की वजह से जीएम सैयद दिलबर्दाश्त हो गए। इन्होंने 17 जनवरी 1972 को अपनी सालगिरह के मौके पर जीएम सिंध तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी मकसद सिंध को पाकिस्तान से आजाद करवाना था। वो अपनी वफात तक इसी तहरीक से वाबस्ता रहे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।